नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर। इस वक्त मैं आपके साथ ज्ञानो कुमार दीक्षित सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर की सबसे बड़ी खबर के साथ मतदाता जागरूकता एवं प्रशिक्षण अभियान संपन्न। रामपुर मथुरा सीतापुर आज रामपुर मथुरा थाना परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। EVM मशीन व VVPAT से संबंधित जानकारी मतदाताओं व जनमानस को दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत EVM व VVPAT की मशीन की जानकारी व प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर श्री अरविंद वर्मा, महेंद्र तिवारी, ललितेश सिंह व कुर्बान अली द्वारा आम जनता व एवं मतदाताओं को दी गई जानकारी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र के कृष्णकांत मिश्र सहित लगभग लेखपाल उपस्थित रहे तथा गौ सेवक छटकन्नू अस्थी, केशव अस्थी, राकेश मिश्र, नेम कुमार, अताउर रहमान, ज्ञानो दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज के लिए राकेश डिहुआ की रिपोर्ट, महमूदाबाद, सीतापुर। मशीन चालू कर दें उसके बाद नहीं पड़ेगा जब तक कि यहाँ से नहीं होगा, ये बत्ती नहीं जलेगी। अच्छा, ये वाली मशीन जब तक नहीं कंफर्म होगी, जब हम यहाँ से अभी हम बताएंगे, डिटेल में सब बताएंगे। यहाँ से जब वोट डालने के लिए इनको रेडी करेंगे तो ये बत्ती जलेगी। पहले मशीन सेट करते हैं, पहले ट्यून और एक VVPAT मतदाता पीटीसी अधिकारी जब बैलेट बटन वोट डालने के लिए जब अनुमति दे देगा तो वो ये बटन दबाएगा। इस बटन के दबाने के बाद आपकी मशीन में यह लाइट जल जाएगी। जब ये लाइट जल जाएगी उसके बाद ही मतदाता बटन दबा सकता है। उसके पहले अगर बटन दबाता है तो वोट उसका पड़ेगा नहीं। दबा के मॉक टेस्ट करके देख लो, नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब ये नहीं पड़ रहा है ये कैसे पता चलेगा? आपने बटन दबाई, अगर उसके सामने की बटन नहीं जली तो मतलब वोट नहीं पड़ा, वोट नहीं पड़ा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जब तक ये बटन नहीं जलेगी तब तक आपको वोट डालना नहीं है, और अगर डाल भी देंगे तो वोट पड़ेगा। तो ये बटन कैसे चलेगी? जब पीठासीन अधिकारी यहाँ से बैलेट बटन दबा देगा, अब उसके द्वारा ये लाल बटन जल जाएगी यहाँ पे। अब इस दौरान एक बार बटन दबाने से सिर्फ एक ही वोट पड़ेगा। आप ये समझो कि दो वोट पड़ जाए, तीन पड़ जाए, वो नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक पड़ेगा। अब डालो इस बटन के दबाने के बाद ये हरी बटन जल जाएगी, इसका मतलब है रेडी। अब मशीन जो है वोटिंग वोट करने के लिए जो है रेडी है। अब आप कोई भी बटन दबा के अपने मनपसंद प्रत्याशी देखें बटन दबा सकते हैं। दबा दिया, उसके सामने की बटन जल जाएगी। इसके बटन के जलते ही यहाँ से एक पर्ची निकलेगी, इसी सीरियल की है, वो ये है। 9 नंबर क्रमांक IIIOC का सीर जो है, ये पर्ची जो 7 सेकंड तक मतदाता के देखने के लिए इसमें बनी रहेगी। उसके बाद ऑटोमेटिक कट होके ये नीचे बॉक्स बना है, इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर वोटिंग करते समय आपने बटन दबाया ये वाला, उसके बाद लाइट कहीं इस वाली जल जाती है, अगर ये जल जाती है तो आप, या फिर इसमें पर्ची जो है किसी दूसरे निशान की निकलती है या किसी दूसरे क्रमांक की निकलती है, तो आप वहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जिसने बटन ये दबाई थी उसको आप बता देंगे कि ये पर्ची गलत निकली है, आपका वोट चेक किया जाएगा, वहाँ वोटिंग में रुक अगर कहीं गलती नहीं। फिर उसे पर्चियों का सर क्या होगा, जो पर्ची इसमें गिरेगी उसका क्या होगा? बता रहे हैं वो बाद में जो है वो पर्ची जो इसमें गिर जाती है वो इसमें स्टोर हो जाती है। जी जी, ये स्टोर बॉक्स नीचे इसमें बना है, जितनी भी वोट बनेगी वो इसमें स्टोर हो जाएंगी। उसका बॉक्स ये निकालने वाला साइड से है। उसके बाद जब वोटिंग एंड हो जाती है जी, तो ये मशीनें सारी क्लोज करके जो स्टोरेज जहाँ पे स्टोर की जाती है पूरे जिले भर की, वहाँ स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग इससे होती है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि पर्ची हो उसकी, अगर उसे लगता है कि इसमें कहीं फ्रॉड किया गया है, ज़रूरत पड़ने पे VVPAT मशीन की जो पर्चियाँ होती हैं उनकी काउंटिंग करी जाएगी। जी, जो इसमें जो बैलेट गिरता है कट के, जी सर, जो पर्चियाँ करती हैं उसकी काउंटिंग की जाएगी। इसलिए ये पर्चियाँ उसमें स्टोर हो जाती हैं, इनको चेक कर लिया जाता है। चल दिया, अब समझो दूसरा वोट अगर डालना चाहें तो नहीं डलेगा जब तक यहाँ से बटन नहीं दबाएंगे। ठीक है, यहाँ से दोबारा फिर बटन दबाएंगे। अब देखिए, एक बार हम बताते हैं, एक बार में एक ही बटन दबेगा, एक बार में एक ही वोट डलेगा, एक वोट लाइट जल गई, अब समझे दूसरा वोट दबा दें, नहीं डलेगा, सिर्फ एक ही डलेगा, और उसी के सामने का चुनाव चिन्ह, उसी का नाम, उसी का क्रमांक, 8 नंबर HHS और थीटा, 7 सेकंड तक पर्ची रुकेगी और कट के गिर जाएगी। अब अगर आवश्यकता पड़ेगी पर्ची गिनने की, तो
ये आपका काम नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको बता दे रहे हैं आवश्यकता पड़ेगी पर्ची गिरने की, तो पर्ची यहाँ से निकाल के गिरी जाएगी, जो लास्ट वोट डाला था वही है था। जी जी ठीक है। ना पड़ी बात है तो।